बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, ज्ञानवापी विवाद में पीएफआई की अब एंट्री हो चुकी है। विवादित संगठन के चेयरमैन ने श्रृंगार गौरी केस की आलोचना की है, मस्जिद को बचाने के लिए समर्थन देने का ऐलान किया है। सारे हिंदू खुश हैं। बाबा विश्वनाथ तक तमाम चीजों पर उन्होंने क्लियर किया है, फैसला 150-200 पेजों में है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी केस में वाराणसी की जिला अदालत ने फैसला सुना दिया। कोर्ट ने दायर याचिका पर सुनवाई करने का फैसला किया है। कोर्ट के फैसले से लोग खुश हैं, लेकिन ये फैसला पीएफआई को रास नहीं आ रहा है। फैसले का विरोध करते हुए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ओएमए सलाम ने कहा है कि पॉपुलर फ्रंट सदियों पुरानी मस्जिद को आक्रामकता से बचाने के लिए मस्जिद समिति के संघर्षों को अपना समर्थन देता है। उच्च न्यायालय में आदेश को चुनौती देने के अपने फैसले के साथ खड़ा है। जाहिर है फैसले की आड़ में पीएफआई भारत में अशांति फैलाने वाले अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने में फिर से जुट गया है, लोगों को भड़काने लगा है। फैसले की आलोचना करते हुए कहा है कि अदालत के फैसले से अल्पसंख्यक अधिकारों पर फांसीवादी हमलों को और बढ़ावा मिलेगा। निर्णय पूजा स्थल अधिनियम 1991 की उपेक्षा करता है। मुस्लिम पक्ष की दलील थी कि ज्ञानवापी पर 1991 का वर्शिप एक्ट लागू होता है, इसलिए ज्ञानवापी के स्वरूप से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया है। फैसले के बाद साफ हो गया है कि अब हिंदू पक्ष के पूजा के अधिकार मांगने के मुकदमे पर सुनवाई होगी। अगली सुनवाई के लिए 22 सितंबर की तारीख तय हुई है। ज्ञानवापी पर फैसले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने फैसले को चुनौती देने की बात कही तो बीजेपी ने स्वागत किया है। सच सच होता है, इससे देश में डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट पैदा हो सकता है। कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष गदगद है तो सियासत पूरी तरह से गर्म है। फैसले पर सियासत कैसे गरमाई हुई है आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कल कोर्ट में क्या हुआ। ज्ञानवापी इंतजामिया कमेटी ने 3 कानूनों के आधार पर इस मामले को सुनवाई योग्य नहीं मानने की कोर्ट से अपील की। इसमें पहला था 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद से धार्मिक स्थल से जुड़े किसी भी विवाद की सुनवाई नहीं हो सकती। एक्ट के मुताबिक 1947 के बाद किसी धार्मिक स्थल के स्टेटस में कोई बदलाव संभव नहीं है। दूसरा तर्क वक्फ एक्ट 1995 को लेकर दिया गया। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ की संपत्ति है, आजादी से पहले वक्फ एक्ट में दर्ज है। तीसरा तर्क काशी विश्वनाथ टेंपल एक्ट 1983 का दिया गया, जिसके तहत विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट बिना राज्य सरकार की अनुमति के कोई संपत्ति अर्जित नहीं कर सकता। लेकिन अपने आदेश में कोर्ट ने इन तीनों दलीलों को खारिज कर दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने फैसले का स्वागत किया है। सच सच होता है, हम सच के साथ है, न्याय पर मुझे भरोसा है, न्यायालय पर। हालांकि एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी को कोर्ट का फैसला नहीं भाया। फैसला कोर्ट का है, लिहाजा खुलकर तो कुछ नहीं बोले, लेकिन इशारों ही इशारों में बहुत कुछ कह गए। सुनिए क्या कहा। हम दोबारा 80 और 90 के दहे में वापस जा रहे हैं, फिर इससे देश में डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट पैदा हो सकता है। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई, ट्वीट कर कहा, ज्ञानवापी मंदिर का सच सामने आ रहा है, मोदी काल में राष्ट्र अतीत के कलंकों से मुक्त हो रहा है, ये शुभ संयोग है। भारत की आत्मा पर चोट किया गया है इस्लामी आक्रांताओं द्वारा, कांग्रेस द्वारा। सत्य संस्कृति जीतेगी, कांग्रेसी षड्यंत्र हारेगा, हमें न्यायालय पर विश्वास है। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।